प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है। धर्मानुकूल आचरण तो हम करें, पर धर्म क्या, किसे कहते हैं धर्म? साधारण व्यक्तियों को यदि समझाना हो कि धर्म किसे कहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग धर्म है। शास्त्र तो कहते हैं धर्म की परिभाषा है, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः सपन्था। धर्म बहुत कठिन है, प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आने वाली चीज नहीं है। गैस की रोटी खा करके धर्म को कैसे समझोगे? खान पान आज का दूषित हो गया, विचार व्यवहार दूषित हो गया, धर्म की मीमांसा कैसे करेंगे? बहुत कठिन है। एकादशी का व्रत रहना धर्म है, पेड़ के नीचे बैठकर साधना करना धर्म है, गौ को ग्रास देना धर्म है, पति की सेवा करना धर्म है, बच्चे की सेवा करना धर्म है, घर छोड़कर अयोध्या काशी मथुरा जाकर बस जाना धर्म है, तीर्थ यात्रा करना धर्म है, पेड़ों का परिक्रमा लगाना धर्म है, मंदिर में रोज जाकर के दर्शन करना धर्म है क्या? सवेरे सवेरे एक लोटा जल शंकर जी पर ढार देना धर्म है? साधारण व्यक्ति धर्म कैसे समझेगा? स्पष्ट रूप से जानना है कि धर्म क्या है, किसे कहते हैं हम धर्म? धर्म पर चलो, धर्म करो, धर्म से बंधे हैं, धर्म आचरण करना है, धर्मानुकूल रहना है, तो हमें जानना पड़ेगा कि धर्म है क्या। अब प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का धर्म एक नहीं हो सकता है, अलग अलग होता है ना। राम जी ने अपने धर्म का पालन किया, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य परायण। भगवान श्री राम ने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन उसी धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने नहीं किया। राम जी ने क्या किया? माता पिता की आज्ञा पाकर 14 वर्ष के वनवास में चले गए। राम ने कहा, लक्ष्मण अयोध्या सुनी है, प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं भी जा रहा हूं अयोध्या, केवल तुम बच रहे हो, तो माता पिता की सेवा करो ना। लक्ष्मण जी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्हीं माता पिता के कहने पर भगवान राम कंटकाकीर्ण मार्गों पर 14 वर्ष के वनवास के लिए स्वतः चले जाते हैं, पर उन्हीं माता पिता की सेवा की आज्ञा जब भगवान श्री राम देते हैं तो लक्ष्मण जी उसका पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर वो राम के माता पिता हैं तो क्या लक्ष्मण के माता पिता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मण जी कहते नहीं, आप लोक धर्म का पालन कर रहे हैं और मैं भगवत धर्म का पालन कर रहा हूं, और दोनों की स्थिति अपनी जगह ठीक है। किसी को हम अधार्मिक नहीं कह सकते हैं, भगवान का अवतार ही लोक के लिए हुआ है, भगवान का अवतार ही लोगों को शिक्षा देने के लिए हुआ है, राम जी का अवतार लोक की उपासना के लिए हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरा नहीं हुआ है। अरे माता पिता की सेवा करो ना। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने दुनिया में सरकार आपको छोड़कर बाकी किसी को जाना ही नहीं। बार यहीं ते
निज हित पति जानी। बचपन से आपके चरणार बिंदों को छोड़कर मैंने दुनिया में किसी को जाना ही नहीं। तो माता पिता की सेवा का जो धर्म है वो लक्ष्मण जी का माता पिता, माता पिता ही नहीं गुरु भी। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू, तुम स्वामी मोरे सबही, एक तुम स्वामी मोरे सबही, एक तुम स्वामी, दीन बंधु मोरे अंतर जामी, दीन माता पिता भाई बंधु गुरु में किसी को नहीं जानता। और एक साधक की दृष्टि यही होनी चाहिए। जब तक आप लोक धर्म का पालन करें ना, तब तक आपके माता पिता पति पुत्र बेटा सब हैं। लेकिन जब भगवत धर्म का पालन करो तो ये सारे संबंध छूट जाते हैं। गोपियों ने सारे संबंध छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? पति सुतान गोविंद की मुरली बजी तो सारे गोपियों ने अपने अपने पतियों को, पुत्रों को, परिवार को, सबको छोड़ दिया और छोड़कर सब भाग कर आई भगवान के पास। तो भगवान ने कहा कि अपने अपने पतियों को छोड़कर रात के 12 बजे हमारे पास चली आई, क्या यह तुम्हारा धर्म है? गोपियों ने कहा सरकार वो लोक धर्म है और ये भगवत धर्म है। जब दो धर्म सामने आ जाएं, एक तरफ हो लोक धर्म और एक तरफ हो भगवत धर्म, तो लोक धर्म का परित्याग करके भगवत धर्म का पालन करना चाहिए। और इसका साक्षात परिणाम और प्रमाण कोई है तो वह है मीराबाई। मेवाड़ की राजघराने में रहने वाली और गोविंद की दीवानी बनकर लाल पीले कपड़े पहनकर एक तारा लेकर घूमने लगी। हाँ, लोगों ने कहा पागल हो गई है क्या? स्त्री के लोक लज्जा का परित्याग बड़ी बात होती है। स्त्री हर वस्तु का त्याग कर सकती है, लोक लज्जा का त्याग नहीं कर सकती। और जो त्याग कर दे वो स्त्री नहीं हो सकती। आजकल तो समाज किस ओर जा रहा है, भगवान ही रक्षा करें, लेकिन स्त्री के लिए लोक लाज का त्यागना बहुत बड़ा त्याग है। महलों में रहने वाली मीरा मेवाड़ की महारानी, लेकिन एक तारा लेकर संतों के साथ बैठकर संत संग बैठ बैठ लोक लाज।
क्योंकि उन्होंने लोक धर्म का पालन नहीं किया, भगवत धर्म का पालन किया। और मानो भगवान से बार बार मीरा यही कहती है, सरकार आप तो क्या गरज पड़ी है कि आप भक्तों से प्रेम जोड़ें। अच्छा, भगवान भक्तों से प्रेम क्यों जोड़ें? भक्त भगवान को क्या देता है? दुख ही तो देता है। कोई भक्त भगवान को सुख देता है कि दुख? सुबह से शाम तक ठाकुर जी के चरणों में लोग दुख ही अर्पित करते हैं। सुखी आदमी तो मंदिर में आता ही नहीं है, दुखी ज्यादा आता है। हारे को हरि नाम, जिसको कोई नहीं पूछता, जब तक सुख है तब तक तो आनंद करेगा, लेकिन जब दुख आएगा तो परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई द्वार नहीं दिखेगा। सुबह मंदिर, दोपहर मंदिर, शाम मंदिर, लोग कहते कितना बड़ा भक्त है, भगवान इसकी सुनते नहीं है। एक समय जब था जब तुम भगवान की तरफ देखते नहीं थे, तो भगवान को हम दुख के सिवा और क्या दे सकते हैं? परमात्मा को दुख में याद करो न करो, लेकिन सुख में जरूर याद करो। मीराबाई भगवान से कहती है, सरकार आप तोड़ो तो तोड़ो, पर मैं नहीं तोड़ सकती, मैं जाऊंगी कहां तोड़कर। जीव परमात्मा से अपना संबंध तोड़ दे तो जाएगा कहां? उसका कोई दूसरा आश्रय नहीं है। परमात्मा के तो हजारों करोड़ों भक्त हैं, पर भक्त का तो एक ही परमात्मा है ना।